छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण हूँ। कल मैं राम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित एक निबंध पढ़ा रहा था। निबंध का नाम है भय। आज हम आगे बढ़ेंगे। कल हम सीख चुके हैं कि भय क्या होता है, भय कब उत्पन्न होता है, भय और क्रोध के बीच में क्या अंतर है, क्या साम्यता है, और भय से पार करने के लिए, भय से हमें मुक्त होने के लिए क्या करना है। ये सारी बातें हम कल सीख चुके हैं। आज हम भय से संबंधित और भी कई जानकारी जानेंगे। आइए देखेंगे अगला भाग। मैं शुरू करने जा रहा हूँ। कल यहाँ तक हुआ था। अब देखिए, एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है। हमें डरना नहीं चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हमें डरना नहीं चाहते, अगर हम डरेंगे तो हम कायर कहलाएंगे। वे आगे बढ़कर कहते हैं, ये प्रकार की कायरता हमारे लिए अच्छी है, वह है धर्म भीरुता। धर्म से हमें डरना है। अगर हम कायर है तो धर्म से कायर होना है। इसका मतलब धर्म से हमें डरना चाहिए, तब हम कोई अधर्म का काम नहीं करते। पर हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते। धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं। हम धर्म से जो डरते हैं ना, वैसे लोगों से ज्यादा महत्व किसको देते हैं? जो धर्म की प्रशंसा करते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उनको देते हैं। अंदर धर्म दिंद आकर्षित वागे हौदु धर्म नानो अधर्म माडिद्रे ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅಂತವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತವಾಗ್ತೀವಿ. ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಧರ್ಮದ ಅಧರ್ಮದ ಮಾಡೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಚ್ ಮೇ ವೇಹಿ ಬಡೇ ಆದ್ಮಿ ಹೇ जो किसी बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं कि उसके करने से अधर्म होगा, ऐसे लोग क्या करते हैं? धर्म की ओर आकर्षित होने वाले लोग, अगर मैं यह काम करूं तो अधर्म होगा, ऐसा सोचकर वे क्या करते हैं? वह काम नहीं करते. ये केलस माड़े नानो इदु अधर्म आगुते अंत हेळि आ केलसना माड़ोदे इल्ल. लेकिन जो धर्म भीरु आदमी होता है, जिस व्यक्ति में धर्म भीरुता होती है, वह क्या करता है? उसकी अपेक्षा वे कहीं श्रेष्ठ है, जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती. अवनिगे केट्टद्दन्न माड़ोदु इष्टने आगोदिल्ल. कुछ लोग बुरा काम नहीं करते. क्यों नहीं करते? ಕ್ಯೂಂಕಿ ವಾ ಅಧರ್ಮ ಹೋತಾ ಹೈ ಐಸಾ ಸಮಜ್ ಕರ್ ಕೆತೆ ಹೈ ಅವರಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ ಜಿನ್ಹೇ ಬುರಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ನಾ ಅಚ್ಚಾ ಹಿ ನಹಿ ಲಗ್ತಾ ಐಸೆ ಲೋಗ್ ಹಿ ಧನ್ಯ ಹೈ ಕಿನ್ಕಿ ತುಲನಾ ಮೇ ಜೋ ಬುರಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ನೆ ಸೆ ಅಧರ್ಮ ಹೋತಾ ಹೈ ಜೋ ಸಮಜ್ತೆ ಹೈ ನಾ ಉನ್ಕಿ ತುಲನಾ ಮೇ ಯೇ ಹಿ ಧನ್ಯ ಹೈ. अब और एक उदाहरण देते हैं. दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय ना रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है, उसे आशंका कहते हैं. अभी देखिए, दुख या भय आगे आने वाला है पता नहीं, उसकी आशंका मन में रहती है. दुख होगा या नहीं, उसका कोई पूर्ण निश्चय अभी तक नहीं हुआ है. आगे से कोई खतरा है, खतरा सामने आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है. अभी तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, फिर भी मन में डर रहता है कि आगे मुझे कष्ट आएगा. यार मनसल इंता भावनेगल बरते, अभी उन्हें पूरा भय नहीं है, क्योंकि अभी कष्ट आया ही नहीं है, इसलिए भय नहीं रहता. उनके मन में एक दूसरी भावना रहती है, उस भावना का नाम है ಆಶಂಕಾ. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೊಂದು ಶಂಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಶಂಕೆ ಇರುತ್ತೆ? ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರಬಹುದು, ತೊಂದರೆ ಬರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಈಗಲಿಂದಾನೇ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಡರ್ ಮನ್ ಮೇ ರಹತಾ ಹೇ ಉಸ್ಕೆ ಹಮ್ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ತೆ ಹೇ ಆಶಂಕಾ. ಉದಾಹರಣ ಕೇಳಿಯೇ, ಆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಲಿಖ ಕರ್ ಬಾಹರ್ ಘರ್ ಆತೆ ಹೇ ತೋ ಆಪ್ಕೆ ಮನ್ ಮೇ ಆಶಂಕಾ ಶುರು ಹೋ ಜಾತಾ ಹಿ ಶುರು ಹೋ ಜಾತಿ ಹೇ ಕಿ ಅಗರ್ ಮೈ ಫೇಲ್ ಹೋ ಜಾಊಂ, ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಅಗರ್ ಮೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ ಮಿಲೇಗಾ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಆಪ್ಕೆ ಮನ್ ಮೇ ಭಯ ನಹಿ ರಹತಾ ಲೇಕಿನ್ ಆಶಂಕಾ ರಹತಿ ಹೇ. उसे उसमें वैसी आकुलता नहीं होती, उसका संचार कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है. ऐसा आदमी
जिसके मन में आशंका होती है वह अपना काम पूरा नहीं छोड़ता, जो कुछ भी कर रहा होता है उसे आगे बढ़ाता है, लेकिन धीमे धीमे आगे बढ़ता है और अधिक काल तक वह रहता है भय, तुरंत अंत नहीं होता। एक उदाहरण में बताते हैं, घने जंगल से होकर जाता हुआ यात्री चाहे रास्ते भर इस आशंका में रहे कि कहीं चीता ना मिल जाए, पर वह बराबर चला चल सकता है। घना जंगल है, उन दो थिक फॉरेस्ट, एक आदमी अकेले जा रहा है, उसके मन में एक आशंका रहती है कि चीता ना मिल जाए, यो एदुरुगडे चिरते मात्र सिगोद बेड़ा पा, यावदे क्रूर प्राणिगळु बरोदि बेड़ा। लेकिन मन में कौन सा डर है? एक आशंका है कि चीता आ जाएगा तो मैं क्या करूं। आ हेदरिके मात्र इदे, बदुत्ते अन्नोदु एनु ग्यारंटी इल्ल, अवनु यावत्तु नोडिल्ल इल्लि चीते बंदिरदागली जनरल साइज, लेकिन उसके मन में वह डर रहता है, इसीलिए वह धीमे धीमे वह आगे बढ़ता है। जब तक वह उस जंगल को पार करके बाहर नहीं जाता, तब तक उसके मन में वह भाव रहता है। कौन सा भाव रहता है? वह आशंका रहती है, तब व्याकुल नहीं होता, वह अपना काम छोड़ता भी नहीं है, वह बराबर चला चल सकता। यदि उसे असली भय हो जाएगा तो वह या तो लौट जाएगा अथवा एक और एक पैर आगे ना, अगर उसे असली भय हो गया, चीता आने का कोई संकेत मिल ही गया, तो वह आगे बढ़ने से डरता है और पीछे चला जाता है और एक पैर भी आगे नहीं रखता, क्योंकि अब उसे डर के भाई जो आशंका थी अब वह भय में परिवर्तित हो जाती है। दुखात्मक भावों में आशंका की वही स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक भावों में आशा की। ಈಗ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದುಃಖಾತ್ಮಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಭಾವನೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಶಂಕಾ ಕಹತೆ ಹೇ, ಬರುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದುಃಖ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫಿರ್ ಬಿ ಆಪ್ಕೆ ಮನ್ ಮೇ ಜೋ ಆಶಂಕಾ ರಹತಿ ಹೇ ನಾ ವೋಸೆ ಆಶಂಕಾ ಕಬ್ ಆತಿ ಹೇ, ದುಃಖಕ್ಕೆ ಆನೆ ಸೇ ಪೆಹಲೆ। ಉಸೀ ಪ್ರಕಾರ ಸುಖಾತ್ಮಕ ಭಾವೋ ಮೇ ಆಶಾ ಕಾ ಸ್ಥಾನ ಹೇ, ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ। ಈಗ ಏನಾದರೂ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನೀವು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾರೋ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ನಗ್ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಪ್ಗೆ ಮನ್ ಮೇ ಆಶಾ ಜಾಗೃತ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೇ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಹುಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ। ತೊ ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಬಂದಾಗ ಏನು ಆಶಂಕ ಇದ್ದಾಗ ನಿಧಾನಕ್ಕಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಸೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತೀರ। और अपने द्वारा कोई भयंकर काम किए जाने की कल्पना या भावना मात्र से भी क्षणिक स्तंभ के रूप में एक प्रकार के भय का अनुभव होता है। और एक प्रकार का भय है, एक भयानक एक भयंकर काम आपसे करवाना है, कोई कहता है कि तुम एक काम करो, आप करे या ना करे आप पर निर्भर है, ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಮಾಡೋದೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ। ಅಗರ್ ಕೋಯಿ ಕಹೆ ಕಿ ತುಮೆ ಯಹ ಕಾಮ್ ಕರ್ನಾ ಹೇ, ತುರಂತ ಅಗರ್ ಆಪ್ಕೆ ಮನ್ ಮೇ ಡರ್ ಹೋನೆ ಲಗ್ತಾ ಹೇ, ಈಗ ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಸೆಮಿನಾರ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ಕೂಡ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ, ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜಾ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದಾರಿಗಳಿರುತ್ತೆ। ಲೇಕಿನ್ ತುರಂತ ಆಪ್ಕೆ ಮನ್ ಮೇ ಏಕ್ ಭಾವ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋತಾ ಹೇ ನಾ ಉಸೆ ಹಮ್ ಬೋಲ್ತೆ ಹೇ ಡರ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆದರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಭಯಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ। जैसे कोई किसी से कहे कि इस छत से कूद जाओ, यारो बंद हेल्तारे मेल इंद रूफ इंद केळगडेगे जंप माडु कूद जाओ, कूदना अंद्रे जंप माडोदु, तो कूदना और ना कूदना उसके हाथ में होते हुए भी वह कहेगा हारले बेकु अंत एनादरू इद्या इल्ल, उसके हाथ में है, वह निर्णय ले सकता है वह कूद सकता है या नहीं, फिर भी वह कहेगा डर मालूम होता है, इला इला नंगे हेदर के आगो, देखिए डर कैसे आ गया, डर मालूम होता है, पर डर भी पूर्ण भय नहीं है। ये डर ಏನಿದೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಹೆದರಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಭಯ ಅಲ್ಲ। ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ? ಕ್ಯೂಂಕಿ ಯಹ ಕರ್ನಾ ಯಾ ನಾ ಕರ್ನಾ ಕಿಸ್ಕೆ ಹಾತ್ ಮೇ ಹೇ, ಉಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆ ಹಾತ್ ಮೇ ಹೋತಾ ಹೇ। क्रोध का प्रभाव दुख के कारण पर डाला जाता है, इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो सब दिन के लिए या बहुत दिनों के लिए। अगर किसी व्यक्ति में क्रोध आया है तो दुख का कारण उसे पता है, यादव व्यक्ति के कोपा बंदी देन रहे नो, दुख का कारण उसे पता है,
तो वह उस कारण के साथ लड़ेगा, उस व्यक्ति के साथ लड़ेगा और उसे जो भय था उस भय को हमेशा के लिए दूर कर देगा, या कम से कम बहुत दिनों तक उसे भय नहीं लगता, क्योंकि वह अपने क्रोध के कारण उसका सामना करता है। बहुत दिनों के लिए भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में यह बात नहीं हो सकती। ऐसे सज्ञान प्राणियों के बीच जिनमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं, और ऐसे उन्नत समाज में जहां एक एक व्यक्ति की पहुंच और परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है, प्रायः भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है। लेकिन हमेशा के लिए भय दूर नहीं होता, क्योंकि इतने सारे लोग रहते हैं, सबके साथ हमारा परिचय तो नहीं रहता। कई लोगों के साथ हमारा परिचय हो सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारे लोग मुझे जानते हैं और मेरी रक्षा करते हैं। इसीलिए भय हमेशा के लिए हमारे मन में जरूर रहता है। जहां वह भय भूला कि आफत आई, अगर वह भय भूल जाता है, कोई दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, वह भूल गए कि अब मुझे उस आदमी से कोई खतरा नहीं है, ನನಗೆ ಇನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆಗಲೇ 5 ವರ್ಷ ಕಳೀತು, ಇನ್ನು ಅವನು ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, 5 ವರ್ಷದಿಂದಾನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ಆಪ್ ಉಸ್ ಡರ್ ಕೋ ಭೂಲ್ ಗಯೆ ಭಯ ಭೂಲ್ ಗಯೆ ತೋ ಆಫತ್ ಆ ಸಕ್ತಿ ಹೇ ಕಭಿ ಭಿ ಆವ ಆಪ್ಕೋ ಢೂಂಡ್ತೆ ಹುಯೆ ಆ ಸಕ್ತಾ ಹೇ ಔರ್ ಆಪ್ಕೋ ಮಾರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೇ। और आफत आ, यदि कोई क्रूर मनुष्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया और आपको मारने दौड़ा, तो उस समय भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने को बचा लेंगे। कोई क्रूर आदमी है, आपको मारने दौड़ रहा है, निम्न होड़ियों ओडस्कोंड बरता है, आप भाग जाते हैं, नहीं ओढ़ हो बिड़ती रहा, उसके हाथ में नहीं आते, तो क्या आपका भय हमेशा के लिए दूर हो गया? नहीं, क्योंकि पर संभव है कि उस मनुष्य का क्रोध जो आप पर था उसी समय दूर ना हो। अवना कोप निमलिदि दो नि तपस्कोण कुडले दूर आगबेकु अंत निल्वला। पर संभव है कि उस मनुष्य का बल्कि कुछ दिन के लिए वैर के रूप में टिक जाए, तो उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात ना होगी। अब क्रोध वैर के रूप में बदल जाता है द्वेषद रूपदल्ली, और आप पर वह क्रोध दिखाने का ये मौका देखता रहता है, अपॉर्चुनिटी नोड़ता इरताने, निम्गे गोत्तिरोदिल्ल अवनु निम्मेले इन्नु कोप इट्कोंडिदाने अंत। लेकिन मौका मिलते ही वह क्या करता है, आप पर आक्रमण करता है, क्योंकि उसके लिए फिर से आपको पकड़ना उतनी बड़ी बात नहीं है। इल्ला निमन हिडियोदिके साध्य इल्ला अंत हेळोदिके साध्य इल्ला। प्राणियों की असभ्य दशा में ही भय से अधिक काम निकलता है, जबकि समाज का ऐसा गहरा संगठन नहीं होता है कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता और उसके विषय में जानकारी रहती हो। अब जानवर भी ज्यादा डरते हैं, वैसे ही हमें भी डर लगता है, क्योंकि सभी लोगों के साथ हमारा परिचय नहीं रहता। एल्लू ननगे गोत्तिदारे, ननगे यारू शत्रुगळे इल्ल अंत हेळोदिक्के साध्य इल्ल। जैसे गांधी जी को सभी चाहते थे, फिर भी उसे मारने के लिए एक व्यक्ति आया था। जंगली मनुष्य के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है। अब नगर में रहने वाले लोगों की यह स्थिति है, सिटी नली जनरल कंडीशन ही गादरे, उसे भी भय लगता है, लेकिन कुछ दिनों के लिए वह क्या कर सकता है, अपने आप को बचा सकता है, लेकिन फिर से कभी भी उस पर हमला हो सकता है, इसलिए वह भी भय में ही जीता है। लेकिन जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं ना, उनमें भय और भी ज्यादा होता है। ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗು, ಅಯ್ಯೋ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗಿಂತ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜನರೇ ಹೆದರ್ತಾರ ಅಂತ? ಹೌದು, ಜಂಗಲ್ ಮೇ ರಹನೆ ವಾಲೆ ಲೋಗ್ ಹಿ ಜ್ಯಾದಾ ಡರ್ತೆ ಹೇ। ಬಹುತ್ ಸಿ ಐಸಿ ಜಂಗಲಿ ಜಾತಿಯಾ ಅಬ್ ಭಿ ಹೇ ಜಿನ್ಮೇ ಕೋಯಿ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ 20-25 ಸೇ ಅಧಿಕ್ ಆದ್ಮಿಯೋಂ ಕೋ ನಹೀ ಜಾನ್ತಾ। जंगल में रहने वाले लोगों में कुछ जातियां ऐसी है, 20-25 लोग ही साथ रहते हैं, और उन लोगों को छोड़कर, उस भीड़ को छोड़कर कोई दूसरे लोगों को वे जानते ही नहीं, और 25-30 जन बिटू बेरे यार अवरिगे गोत्ते इरोदिल्ल। इंतह चिक्क चिक्क गुंपुगळु इरुत्तल्ल, अवरिगे बेरे गुंपन्न नोडिद कूडले हेदरिके आगिबिडुत्ते।
अतः उसे 10-12 कोस पर ही रहने वाला यदि कोई दूसरा जंगली मिले और मारने दौड़े तो वह भाग कर उससे अपनी रक्षा उसी समय के लिए ही नहीं बल्कि सब दिनों के लिए कर सकता है। इसलिए वह क्या करता है, अगर कोई 10 कोस अंदर ना कोस अंदर 3.12 किलोमीटर दूर ಒಂದು ಕೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 20-30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜಂಗಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ವಹು ಉಸ್ ಆದ್ಮಿ ಸೇ ಡರ್ತಾ ಹೈ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಪರಿಚಿತ್ ನಹೀ ಹೈ ನಾ और उसे उस कष्ट से दूर होने का प्रयत्न भी करता है। पर सभ्य अधिक एलोटे सेरको यारगड़ बंद हिडकोबिड़े सायसबिड़े मत विचारण कते मुगीतुअबिड़े कारण ऐन वे डरते हैं, हम सोचते हैं वे साहसी है सबको पकड़ कर ले जाते हैं, वे साहसी नहीं, उनके मन में जो डर रहता है ना इसीलिए वे क्या करते हैं बाहर से जो भी जाते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें दंड भी देते हैं, उन्हें मार भी डालते हैं और नशाई साक बिठता रहे। और पर सभ्य उन्नत विस्तृत समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की उतनी संभावना नहीं होती। और वो परमानेंट सोल्यूशन हिडकोबिड़े यार अटैक मे बंद और सायसबिट्रु तो उन्हें उसके बाद कोई भय नहीं रहता। लेकिन हमारा समाज तो सभ्य समाज है, सभी पढ़े लिखे लोग है, हमारे समाज में ऐसी स्थिति कभी नहीं आ सकती। इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है, जिससे वे भयभीत हो सकते हैं उसी को वे श्रेष्ठ मानते हैं और उसी की स्तुति करते हैं। वे कहते हैं कि जिससे वे डरते हैं ना उसकी ही स्तुति करते हैं। और उनके देवी देवता भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं, उसकी वजह से उनकी जो देवी देवताएं होते हैं वे सभी भय के कारण ही कल्पित है। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರ ರೂ ಆಕಾರ ವಿಕಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಯವನ್ನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಭಯವನ್ನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ। ಅತಿ ಭಯ ಅವರು ಭಯಕಾರಕ ಸಮ್ಮಾನ ಅಸಭ್ಯತಾಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಹೇ, ತುಂಬಾ ಭಯ ಪಡೋದು ಅವರು ಭಯಕಾರಕ, ಯಾವುದು ಭಯ ತರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ದೋನೋ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಅಸಭ್ಯತಾಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಹೇ। ಇದು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲ, ಅಸಭ್ಯ ಲೋಗ್ ಹೀ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಡರ್ತೆ ಹೇ। ಜ್ಯಾದಾ ಭಯ ಅಗರ್ ಆಪ್ ಮೇ ಹೇ ತೋ ಆಪ್ ಮೇ ಸಭ್ಯತಾ ಕಾ ये गुण कम है, सभ्य लोग ज्यादा डरते नहीं, असभ्य लोग ज्यादा डरते, इसीलिए उनकी देवी देवताएं भी इसी तरह की है। ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ದೇವಿ ಮುಂದೆ ಬಲಿ ಕೊಡೋದು ಹೆದರುದು ಮಾಡೋದು ಅತರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक हो गए है। भारत में अनपढ़ लोगों की संख्या ज्यादा है ना, इसीलिए आज भी भारत में जो भय है भय कारक है उनकी ज्यादा पूजा करते हैं। जैसे एक वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं ना उतना किसी विद्वान का नहीं। भारती ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ನ ಎಷ್ಟು ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟು ಗೌರವದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸನನ್ನು ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಲ್ತಿರೋ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ। ಯಾಕೆ, ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ। ಇಸಿಲಿಯ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಅದೇ ತರ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ। ಚಲನೆ ಫಿರ್ನೆ ವಾಲೆ ಬಚ್ಚೊಮ್ಮೆ जिनमें भाव देर तक नहीं टिकते और दुख परिहार का ज्ञान या बल नहीं होता भय अधिक होता है। जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं 2-3 साल के उन बच्चों में ज्ञान हमेशा तक ज्यादा समय तक नहीं रहता, वे जल्दी भूल जाते हैं, इसीलिए उनमें भय भी ज्यादा होता है और अली हेदरी के अनुदू तुम्बा जास्ती रुते भय अधिक होता है। बहुत से बच्चे तो किसी अपरिचित आदमी को देखते ही घर के भीतर भागते हैं। ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಪರಿಚಿತರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದೇನಾದ್ರೂ ಮಗು ಹೊರಗಡೆ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನೋಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸೀದಾ ಓಡ್ ಹೋಗಿ ರೂಮಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ। ಕಾರಣ ಏನು, ವಹ ಆಪ್ಸೆ ಡರ್ತಾ ಹೇ, ಅಪರಿಚಿತ್ ಸೆ ಡರ್ತಾ ಹೇ, ಉಸ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಆಪ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಅಪರಿಚಿತ್, ನೀವು ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಆದ್ರಿ। ಅದೇ ದೊಡ್ಡವರು ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ, ಜೋ ಜ್ಞಾನಿ ಹೋತೆ ಹೇ ವೆ ಪಢೆ ಲಿಖೆ ಹೋತೆ ಹೇ ವೆ ಸೋಚ್ತೆ ಹೇ ಕಿ ಯಹ ಕೌನ್ ಹೇ ಕ್ಯೂಂ ಆಯಾ ಹೇ। लेकिन छोटे बच्चे इतना सच नहीं सोच सकते क्योंकि उतना ज्ञान उनमें नहीं होता।
अपरिचित के भय से जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा जान पड़ता है। प्रत्येक प्राणी भीतरी आंख कुछ खुलते ही अपने सामने मानो एक दुख कारण पूर्ण संसार फैला हुआ पाता है, जिसे क्रमशः कुछ अपने ज्ञान बल से और कुछ बाहुबल से थोड़ा बहुत सुखमय बनाता चलता है। इसलिए छोटे बच्चों के लिए सभी अपरिचित लगते हैं, सभी भय कारक ही लगते हैं, लेकिन बढ़ते बढ़ते उम्र बढ़ते बढ़ते उनमें ज्ञान बल और शारीरिक बल बढ़ने के कारण वे सोचते हैं कि हाँ यह भय कारक नहीं है, इद्रिंद ननगे यावदे तोंदरे इल्लदनदु वैसाक्ता आक्ता गोत्तागुत्तंते। सुख तो जीवन पहले दुखमय था क्योंकि हर एक चीज से डरते थे, और धीरे धीरे उनका जीवन सुखमय बनने लगता है, सुख वादलली परिवर्तन होते आके अपने ज्ञान बल से और अपने शारीरिक बल से वे क्या करते हैं, जो दुख की स्थितियां थी उसे सुख में परिवर्तित कर लेते हैं। क्लेश और बाधा का ही सामान्य आरोप करके जीव संसार में पैर रखता है, सुख और आनंद को सामान्य का व्यतिक्रम समझता है। भरत हुट्टताने दुख इदे इदरली नोविदे अंतने मनुष्य ई भूमिगे बरोदु, और वह सोचता है कि आनंद और ಸುಖ ಇದಂತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಯಾವುದು ದುಃಖ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಗೋದು ಯಾವುದು ಸುಖ ಆನಂದ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದೇ ದುಃಖ, ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಆನಂದ ಮತ್ತು ಸುಖ ಮಾತ್ರ. ವಿರಲ್ ವಿಶೇಷ ಮಾನ್ತಾ ಹೇ ಇಸ್ ವಿಶೇಷ ಸೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಿ ಓರ್ ಜಾನೆ ಕಾ ಸಾಹಸ ಉಸೆ ಬಹುತ್ ದಿನೋ ತಕ್ ನಹೀ ಹೋತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ವಿಶೇಷದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಯಾವುದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ತಿಳಿದಿರ್ತಾನ ಸುಖ, ಅದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಲ್ ಸೆ ಅಪನೆ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಯಾ ನಿತ್ಯ ದಿಖಾಯಿ ಪಡ್ನೆ ವಾಲೆ ಕುಚ್ ಥೋಡೆ ಸೆ ಔರ್ ಲೋಗೋಂಕೆ ಹೀ ಸಂಬಂಧ ಮೇ वह यह धारणा रखता है कि मुझे सुख पहुंचाते हैं और कष्ट ना पहुंचाएंगे. देखिए चिक्का मकलो, जो बच्चे घर के सदस्यों के साथ पहले परिचित होते हैं और उनके साथ उन्हें अगर वे लोग उस बच्चे को उठाते हैं तो वे डरते नहीं या रोते नहीं, क्यों, उसे थोड़ा विश्वास हुआ है कि ये लोग मुझे सुख पहुंचाने के लिए है, दुख नहीं पहुंचाएंगे. एला जनरू अर्थ मे स्वल्प टाइम तकड़ते उनके तो कुछ थोड़े से अंतर ना मुझे सुख पहुंचाते हैं कष्ट ना पहुंचाएंगे. जिन्हें वह नहीं जानता जो पहले पहल उसके सामने आते हैं उनके पास वह बेधड़क नहीं चला जाता, बिल्कुल अज्ञात वस्तुओं के प्रति भी वह ऐसा ही करता है. इसलिए जो अपरिचित होते हैं ना उनके पास बच्चा पहले नहीं जाता, अभ्यास होने के बाद उन पर विश्वास आने के बाद ही उनके पास जाता है. क्यों ऐसा करता है, क्योंकि उस बच्चे में बल की कमी, दो बल, एक शारीरिक बल और दूसरा ज्ञान बल, एरडू हेच्चादगा हमारे मन के अंदर जो भय होता है ना वह अपने आप दूर होने लगता है. तो आज के लिए इतना काफी है, कल मैं आगे का भाग पढ़ाऊंगा. सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद.